वेलकम अमृता। हमारे जो सेकंड ब्रेव हार्ट है वो जिंदगी की मुश्किलों के अराउंड अपने मूव्स कॉरियोग्राफ कर लेते हैं, पर आपको क्या लगता है, क्या डर को ये अपनी उंगलियों पर नचा पाएंगे? हाँ, अभी तो आपने गेस कर ही लिया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द क्लास धर्मेश। इस क्लास के जो नेक्स्ट स्टूडेंट हैं वो हैं हमारे चॉकलेट बॉय, जिन्होंने इंटरनेट वाला लव दिखाकर हम सबका दिल तो जीत लिया है, पर क्या ये जो लव है इन्हें टास्क में राह दिखा पाएगा? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द क्लास शिविन नारायण। हमारी अगली स्टूडेंट को खतरों से खेलने का हमेशा ही स्वैग रह चुका है। बुलाएंगे स्टेज पर हमारी नागिन गिन 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 आरा खान को। अब मिलते हैं बहुत ही प्रिटी सुंदर सुशील, हमारी आपकी हम सबकी तेजा से तेजस्वी प्रकाश। जागती नहीं है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए वेलकम करते हैं मुंबई की रानी, द बबली वाइवेशियस, द वन विद ऑल द स्वैग, आरजे मलिष्का। वाओ, सुपरस्टार्स, सुपरस्टार्स ऑल एवरीवेयर। ऑलराइट, अब मुंबई की मूलियों के बाद भोजपुरी बॉम्बशेल को भी बुला लिया जाए। आप ही तो कुछ बोलिए, हमारे स्टार्स ही सारी आवाज निकाल रहे हैं। सो बट आई एम श्योर कि इन्होंने बल्गेरिया में भी अपनी हॉटनेस से सबके दिलों पर जीत हासिल कर ही ली होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार ताली के साथ आइए बुलाते हैं रानी चैटर्जी को। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ वो है हमारे स्टूडेंट नंबर एट, जिन्हें आप सभी SRK और TV के नाम से जानते हैं। यस, यू गेस्ड इट राइट, नन अदर देन मिस्टर करण पटेल। करण ने बल्गेरिया में अपने किस डर का सामना किया ये तो आपको खतरों के खिलाड़ी देखने पर ही पता चलेगा। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा खतरों के खिलाड़ी। एवरीबॉडी वन मोर टाइम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर करण। इस क्लास के जो नेक्स्ट क्लासमेट है उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं, क्योंकि जब डर लेता था क्लास, देता था त्रास, तो इनके जोक्स ने सभी का हौसला बढ़ाया होगा, वो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जोरदार तालियों के साथ बलराज चल। आप लोग सोच रहे होंगे कि आ गए हैं सारे के सारे कंटेस्टेंट खिलाड़ी, सारे कंटेस्टेंट को बुला रहे हैं, जो हमारे किंग हैं, प्रोफेसर सर हैं, उनको कब बुलाया जाएगा? बुला लें उन्हें।